मार्केट में फ्रेश आड़ू को देखकर दिल चाहता है कि पूरा साल ही इनका सीजन बना रहे, पर ऐसा तो मुमकिन नहीं है। सिर्फ आड़ू गर्मियों के मौसम में आते हैं, क्यों ना आड़ू को अपनी खुराक में शामिल करें और फिर इनसे फायदा उठाएं। आज हम इनसे मजेदार किस्म का जैम तैयार करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से ही हमने आज का ये जैम तैयार करना है, और साथ ही हम इसी जैम से ब्रेड के पिन व्हील्स भी तैयार करेंगे। दोनों चीजें ही बहुत ही ज्यादा डिलीशियस और मजे की तैयार होने वाली हैं। तो चलें जी, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आड़ू जो है मैंने आधा किलो से थोड़े ज्यादा लिए हैं। ये ऐसा फल है जिसका फायदा तो बहुत ज्यादा है ही, लेकिन इसका जायका भी बहुत ज्यादा उम्दा है। इसकी कई किस्में होती हैं, लेकिन अच्छे आड़ू की पहचान ये है कि जिसकी गुठली आसानी से अलहदा हो जाए। सबसे पहले तो हमने इन्हें अच्छी तरह से धो लेना है, और फिर बाद में हम इनका बारीक बारीक छिलका उतार लेंगे। आड़ू लेते वक्त आपने सख्त आड़ू लेने हैं। जैम बनाने के लिए सॉफ्ट वाले नरम आड़ू बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि जैम का जायका थोड़ा तुर्श हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको मीठी जैम खानी है तो फिर आप कोई से भी आड़ू ले सकते हैं। इन सभी को मैंने छिलका उतार के काट लिया है और अंदर से गुठली को भी निकाल लिया है। ये देखें, हमने नीट एंड क्लीन आड़ू जो है कट कर लिए हैं, और अब हमने जिस पैन के अंदर इसे पकाना है इसके अंदर डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें 3 गिलास पानी के शामिल करेंगे। चम्मच की मदद से हम इसे थोड़ा सा तह में बिठा देंगे और फिर इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा देने के बाद हमने इसे 15-20 मिनट के लिए बॉयल करना है, और आग को हमने लो ही रखना है ताकि ये जो है अंदर से अच्छी तरह से गल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखें, आपको इनकी शक्ल देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इसे मैनुअल मशीन से मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि ये जो बड़े बड़े पीस हैं ये ख़त्म हो जाएं। और जब हम इस आड़ू जैम को ब्रेड के साथ लगाकर खाएं तो छोटे छोटे पीस हमारे मुंह में आने भी चाहिए। बस हमने इसे इतना ही मैश करना है। इसके बाद हम इसमें 1 कप चीनी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 अदद लेमन के जूस का रस डालेंगे। लेमन हम इसमें इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये जैम जितना अरसा भी पड़ी रहेगी ना, ये ख़राब नहीं होगी। अब आप सोचेंगे कि मैंने इस स्टेज पर इसके ऊपर ढक्कन क्यों लगाया है, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर इस स्टेज पर ढक्कन ना लगाया जाए तो छींटे बहुत ज़्यादा उड़ती हैं, जो उड़कर कभी हमारे मुंह पर, कभी हाथों पर, कभी बाजू पर या गर्दन पर भी आ सकती हैं। इसलिए हम इसके ऊपर ढक्कन ज़रूर लगाएंगे ताकि हम इन ख़तरनाक छींटों से बच सकें। ये देखें, जब जैम का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। एक और भी चेक करने का तरीका है कि जब हम चम्मच को हिलाएंगे तो ये पैंटे में नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अब मैं आपको इसे निकाल के भी दिखा देती हूँ। जैम तैयार करने के बाद हम इसी जैम के ब्रेड के पिन व्हील्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने सारी ब्रेड के किनारों को काट लेना है, फिर इसके बाद 2 ब्रेड लेंगे और इसे आपस में चिपका देंगे। आप इसे पानी के साथ भी चिपका सकते हैं, या फिर बेलने के ऊपर फेर दें तब भी ये चिपक जाएंगे। और अब हम इसके ऊपर तैयार की हुई आड़ू जैम को लगा देंगे। हमने इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है और एक बार फिर से इसके ऊपर आड़ू जैम लगा देंगे। अच्छी तरह से इसके ऊपर जैम लगा देंगे। एंड में हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। ब्रेड और जैम के रोल तो बनकर तैयार हो चुके हैं, और अब मैं आपको इसे काट कर भी दिखा देती हूँ। ये देखें, हम इसे छुरी से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसे आपको धागे से काट कर दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े के और शानदार ब्रेड पिन व्हील्स तैयार हो गए हैं। आप इसकी लुक चेक करें, सेम बाज़ार जैसी इसकी लुक आ रही है। तो आपने एक बार तो इस रेसिपी को ज़रूर ही ट्राई करना है।